गत 20 जनवरी को भारत तिब्बत सीमा के साथ लगते किन्नौर जिला के नामजा डोगरी नामक स्थान पर ग्लेशियर की चपेट में आए जेएंडके राइफल के 6 जवानों के शवों को 23 दिन बाद निकाल लिया है। लापता 4 जवानों के शव पहले ही निकाल लिए गए थे, जबकि बचे 2 जवानों के शवों को सुबह निकाल लिया गया है। इन जवानों की पहचान कुल्लू जिला के खरगा निवासी नायक विदेश चंद और जम्मू कश्मीर निवासी राइफलमैन अर्जुन कुमार के रूप में हुई है। किन्नौर उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि आर्मी जवान जो कि 20 फरवरी 2019 से ग्लेशियर में दबे थे, उनको 23 दिनों के बाद निकाल लिया गया है। निर्मडानी के विदेश कुमार और जम्मू के अर्जुन के शव का पू अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर आर्मी अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा। निर्मड के जवान विदेश कुमार ठाकुर के शव को करछम आर्मी कैंप में रखा जाएगा। कल करछम आर्मी कैंप से सड़क मार्ग से निर्मड में ले जाया जाएगा। जम्मू के आर्मी जवान को कल पू से आर्मी हेलीकॉप्टर द्वारा जम्मू भेजा जाएगा। 20 मार्च को जो नमगिया डोगरी नामक स्थान पर जो हादसा हुआ था, जिसमें हमारे आर्मी के 6 जवान उसमें दब गए थे, उनमें से जो 2 जवान जिनकी लगातार आर्मी द्वारा तलाश की जा रही थी, और आज दोनों जवानों के शव वहाँ बरामद कर लिए गए हैं, एयरप्लांट से निकाल लिए गए हैं। इनमें से एक विदेश ठाकुर निर्मंड कुल्लू से हैं और दूसरा जवान अर्जुन जो कि जम्मू से बताया गया है। इनकी दोनों की डेड बॉडीज पू पीएचसी लाई गई है और वहाँ इनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, और पोस्टमार्टम करने के बाद जो इनको इनके स्थानों के लिए जो आर्मी द्वारा भेज दिया जाएगा। तो इनको कैसे जी हेलीकॉप्टर से कि मार्ग के जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, जो निर्मंड का हमारा जवान है उनको बाई रोड जो है आज करछम तक लाया जाएगा। कल सुबह जो उनको उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। जो जम्मू का जवान है उनकी डेड बॉडी को हेलीकॉप्टर द्वारा उनके स्थान तक पहुंचाया जाएगा। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को अब बंद कर दिया जाएगा, जैसे कोई असला उसला तो उसने रह तो नहीं गया। हाँ, अब आगे का तो मुझे लगता है कि अब तो रेस्क्यू ऑपरेशन जितने जो हमारे 6 जवान इसमें मिसिंग हुए थे वो सारे जो सभी रिकवर कर लिए गए हैं, उनके डेड बॉडी सभी की रिकवर कर ली गई है। अब आगे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का तो कोई ऐसा औचित्य नहीं बनता। जम्मू वाले का एड्रेस क्या सर? जम्मू वाले का मुझे मेरे पास अभी जो पूरा जो है एग्जैक्ट एड्रेस मेरे पास नहीं। बता दें कि हादसे वाले दिन हवलदार राकेश कुमार को ग्लेशियर से निकाल लिया गया था, लेकिन अस्पताल में ले जाते समय जवान ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन में नितिन राणा, राजेश ऋषि, गोविंद बहादुर छेत्री और राकेश कुमार के शव पहले ही ग्लेशियर से निकाल लिए गए थे। 20 फरवरी के दिन जेएंडके 7 राइफल्स के 6 जवान पेयजल लाइन दुरुस्त करते हुए हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। हादसे के बाद सेना के 400 से अधिक जवान लगातार राहत बचाव कार्य में लगे हुए थे। विपरीत परिस्थितियों के बीच करीब 600 मीटर लंबे ग्लेशियर क्षेत्र में जवानों को निकालना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था।